ओके तो यार आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ में वापस। अब बहुत दिन हो चुके हैं, आप लोगों को पता है कि एक ट्विटर पे हम ट्रेंड चला रहे हैं कि वी वांट पबजी माई लाइट, और आप में से बहुत से लोगों ने वहाँ पे जाकर ट्वीट भी किया होगा। अब रीट्वीट जिस चीज़ ने नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट जाओ, पहले तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी ट्विटर की, वहाँ पर जाकर सिंपली आपको रीट्वीट करना। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं उतरा आईलैंड पर, अब सामने की तरफ एक बंदा दिखता है, अब इसको तो मैं नॉक कर देता हूँ। अब ऐसे मैंने इसको नॉक किया बाहर इसके टीममेट की। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने तो ट्वीट कर दिया होगा, लेकिन जो पबजी माई लाइट खेलते हैं यानी कि जो थोड़ा खेलते तो हैं लेकिन उनको जो यूट्यूब से थोड़ा दूर रहते हैं, तो उसको आपसे एक रिक्वेस्ट, उनको थोड़ा बताइए कि रीट्वीट कैसे करना है। आप में से जो लोग जानता हो रीट्वीट करना तो उनको प्लीज़ बताना कि कैसे रीट्वीट करना है और इसका फ़ायदा क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, कल जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको रीट्वीट कैसे करना है, और इसका फ़ायदा ये था कि क्राफ्टन तक ये बात तो पहुँच चुकी है कि कैसे पबजी माई लाइट को लाया जाओ। उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया हल्का फुल्का, एक जो मेल है वो आती है पुलिस भाई के पास, और इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पता चल गया कि पबजी माई लाइट क्यों नहीं आ रहा है, आखिर क्या कारण है, आएगा कब तक आएगा। तो इसका कारण उन्होंने बताया था कि हमारे पास अभी तो कोई मतलब पबजी माई लाइट जिन्होंने क्राफ्टर ने डेवलप किया पूरा का पूरा, तो अभी उनके पास कोई एक्सेस नहीं है, तो लेकिन वो पूरी की अपनी टीम से यहाँ पे कनेक्ट होंगे और इसका सलूशन वो जल्दी निकालेंगे। और आप एक ट्राई कर सकते हो कि उनको मेल कर सकते हैं पबजी माई लाइट को ऑफिशियल, ताकि आप उनको ये बात पहुँच सके, और इससे जल्दी ये होगा कि अपना पबजी माई लाइट जल्दी आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप में से पता होगा, बहुत से लोगों ने ट्वीट किया, अब मैक्सन भाई ने भी इसके ऊपर रिप्लाई दिया था, क्रोनटर ने भी, और खास तो जो इंडिया के पबजी और इंडिया के जो सबसे बड़े टेक यूट्यूबर हैं उन्होंने भी इस बात पे अपने वीडियो में कहा, जो कि टेक्निकल गुरु जी है, तो आप उनके जाके वीडियो देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं आता हूँ, अब यहाँ पे एमओ मेरे लौट पे आए, लेकिन फिलहाल ये वाला बंदे को मैंने जैसे नॉक किया, अब बारह देश की टीमेट की, लेकिन तभी वो वाला बंदा पीछे से चार गोली मारता और मेरी पेटी वहीं पे बन जाती है, और फिलहाल लगाते हैं सेकंड मैच। अब ये वाले मैच की जो आधी क्लिप है पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, अब 1v4 क्या था वहाँ पे मैंने, अब फिलहाल छोड़ो उस चीज़ को, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ। अब फिलहाल मैं आता हूँ थर्ड हिल में, अब यहाँ पे मुझे AWM मिल चुकी थी और पूरा का पूरा क्लच मैंने AWM से ही किया था, आधा मैच मेरा निकल चुका था। फिलहाल यहाँ पे आता हूँ, तभी एक बंदा फायर करता हुआ दिखता है, अब इसका मैं किल चोरी कर लेता हूँ। फिलहाल देखो कैसे बढ़ते हैं सामने वाले बंदे को, और यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, पहला फटका मेरा मिस हुआ लेकिन मैंने AKM निकाल के उसको भर दिया। अब बाहर देश के दूसरे टीममेट की, अब वो देखो फिलहाल कैसे यहाँ पे आता है, ये वाला हेडशॉट देखना और मुझे कहने बताना कि हेडशॉट कैसा लगा। फिलहाल सामने आ चुका था ये, और एक पट्टा से हेडशॉट लगा प्यारे वाला, बहुत दिन बाद मैंने स्नाइपर का यूज किया। अब जैसे मैंने स्नाइपर का यूज किया तो चलती तो नहीं है लेकिन काम चलाओ तो चल ही जाती है, मैं बहुत कम यूज करता हूँ, 100 मैचेस में से 2 मैच बड़े मुश्किल से यूज करता हूं मैं। और यहां पे इन बंदों ने लाश इतनी बिछा रखी थी कि थर्ड लेवल पूरा पूरा इन्होंने निपटाया था, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे मेरा एक फ़ायदा होगा कि मैंने यहां पे आप पे थर्ड पार्टी कर दिया, और इनका किल मैंने बहुत से चोरी कर लिया यहां पे। फिलहाल यहां पे मैं जाता हूं, अब इनके 2 टीममेट को मैंने नॉक कर दिया था भारी थी 2 की। अब इनका जो लास्ट मतलब लास्ट जो बंदा बचा हुआ था वो नशे में था, लेकिन उससे पहले इनका तीसरा बंदा था और सामने वाली टीम ने नॉक कर रखा था। अब इसका मुझे पता चलता कैसे, फिलहाल सामने की तरफ एक बंदा नॉक दिखता है मेरे को, अब उसका तो मैं किल चोरी कर लेता हूँ, तभी यहाँ पे एक और बंदा दिखता है, अब ये होता है इनका लास्ट बंदा, अब इसको मैं किल चोरी कर लेता हूँ, यानी कि सामने वाले का तो किल चोरी किया, अब ये सामने वाले टीपी प्लेयर था लेकिन इसको ही मैंने भर दिया। अब जिसकी तरफ ये टीपी प्लेयर था बारी थी उन बंदों की, अब मैं देख रहा था आखिरकार वहाँ पे है या नहीं, लेकिन तभी मुझे राइट साइड से 2 बंदों की झलक दिखती है, अब वो निकल रहे थे चुपके चुपके, देखना दोनों मुसीबत कैसे लेके आएंगे मेरे को, लास्ट में देखना। फिलहाल डैमेज दिया और कवर फायर में उसने दोबारा मेरे को डैमेज किया, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको डराने की दोबारा कोशिश की ताकि एक हिट लग जाए, लेकिन मैंने बोला था कि नहीं होगा। फिलहाल दूसरे बंदे को मैं एक हिट लगा देता हूँ, अभी से होता है कि इनकी वेस्ट तो डैमेज कर ही देता हूँ मैं जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन कहाँ ना कहीं ये मुझे मुसीबत का सामना करना हो पड़ सकता था मुझे, क्योंकि मैं अगर ब्रिज से आता तो इसलिए फिनिश करते, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बगी मिल जाती वापस से मेरी। लेकिन फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे आया सामने की तरफ एक ड्रॉप आया था, मैं वेट करता था कब इनका एक बंदा खुले में आए, अब ये दिखता है खुले में लेकिन मैं इसको मारता नहीं क्योंकि मैं अपनी पोजीशन रिवील नहीं करना चाहता था, अगर मैंने पोजीशन रिवील कर दी तो इसका नुकसान हो सकता था, लेफ्ट से भी पड़ती और राइट से भी पड़ती, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा मुझे कैसे मिलता है। अब ये बंदे एक बोट को निपटाते और मैं इसको नॉक करता हूँ डायरेक्ट लगे हाथ, इसको एक और फटका दिया, अब भारत इसको फिनिश करने की
और इसीलिए मैंने इसको लगातार फिनिश कर दिया, क्योंकि ये मुझे पता था अगर एक बार कवर में चला जाता तो नॉक फिनिश लगातार होता। अब ये दो बंदे थे यहाँ पे, अब दोनों के दोनों यहाँ पे मतलब छुपे हुए थे पूरे के पूरे। अब एक का तो मैंने किल चोरी कर लिया, बचे थे अब इनके जो दो बंदे थे वो आ जाते हैं ये तरफ। अब पूरी की पूरी स्क्वाड में से दो बंदे मैंने ले पे टका था, अब यहाँ पे बचते सिर्फ दो बंदे। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, तभी मैं जो फर्स्ट टाइप आते हैं कि कोई ना कोई बंदा मेरे पे रश कर रहा है। अब पता चलता है कि उनमें से दोनों बंदे मेरे पे रश कर देते हैं, लेकिन एक दिखता है ये साइड से आता हुआ। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे आता है ये वाला बंदा। अब जाते जाते इसने इतनी कम एचपी कर दिया, मेरे को समझ में नहीं। अब फायर मैंने किया पहले, लेकिन इस बंदे ने मिलकर बिल्कुल वन एचपी कर दिया। आखिरकार पता नहीं क्या करके नशे करते हैं पबजी वाले, लाइट वाले। फिलहाल इसका दूसरा बंदा आता है और पूरा पूरा हेड पे एम लिया, और इसी के साथ ये वाली स्क्वाड भी फिनिश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वाली स्क्वाड को फिनिश किया, अब बचे सिर्फ दो तीन बंदे। अब मुझे कन्फर्म था कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप वॉप लूट लेता हूँ तो कहीं ना कहीं बच सकता हूँ, लेकिन ड्रॉप पे मुझे आरपीजी मिलती है, मैं इसको उठाता नहीं जानबूझ के। मैं सोचा दो बंदे बचे हुए हैं, उनके पास एस्ट्रोल के भी नहीं है तो क्यों मतलब उठाया जाए। अब मुसीबत कैसे बनते मेरे लिए फिलहाल देखना। अब यहाँ पे गाड़ी घुमा रहा था, अब मेरे को समझ में नहीं आखिरकार ये दोनों बंदे इधर होंगे तो यहाँ पे मैं पीछे जाके वो मार सकता हूँ एक दो को तो, लेकिन ये दोनों बंदे इतने अग्रेसिव थे कि मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। अब जहाँ पे मैं जाता वहीं पे पहुँच जाते दोनों के दोनों। अब मेरी एचपी तो ठीक ठाक थी, लेकिन ये बंदे मुझे थोड़े खतरनाक लग रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार ये फायर कर रहे थे ना मेरे पे। अब यहाँ पे रुकता हूँ मैं गाड़ी लेकर, सोचता हूँ कि कोई स्कोप तो लगा नहीं, मैं इसको एक को नॉक कर दूंगा, लेकिन या फिर फोरेक्स लगा होता। और जैसे मैंने फोरेक्स देखा मैं ही कट लिया यहाँ से, क्योंकि मुझे पता था अगर क्लोज में आएगा तो मैं हक दूंगा। दो बंदे हैं, दो में से एक को भी गिराऊंगा तो गलती से दूसरा बंदा मुझे इसी मार देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ पत्थर पे अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ। अब सामने एक नेट फेंकता हूँ, लेकिन ये वाले नेट से कुछ होता है, बंदा डैमेज। अब बिल्कुल आधी एचपी से भी आधी बचा होगा, क्योंकि बिल्कुल नेट उसके एग्जैक्ट मुंह पे फटा था। अब इस चीज़ का मैं फायदा उठाने के लिए जाता हूँ, लेकिन इतनी देर में वो बंदा कर लेता हील। अब दोनों को दोनों बंदे मेरे पे टूट पड़ते कुत्ते की तरह। फिलहाल देखो कैसे भरते हैं पहले एक बंदे को। अब सामने की तरफ से आते हैं दोनों के दोनों। अब डैमेज दिया, वापस आया। अब फिलहाल एक को जैसे नॉक किया, मेरे को समझ में नहीं आया इसने मेरे को इतना गंदा डैमेज कैसे दे दिया। अब आप लोगों को सोचो कहाँ पे डैमेज दिया। अब फिलहाल देखो बिल्कुल वन एचपी किया, और फिलहाल देखो इस पर रश करते हैं। और मुझे पता था कि क्या यही सीन होगा, क्योंकि मैं एक बंदे से फाइट लेता हूं तो दूसरा बंदा तभी आता है, तो इजीली फिनिश हो जाता हूं। होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आए, तो अभी के अभी जब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करते हो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर देना। और दोबारा आपको याद दिलाता हूं, अगर आपने अभी तक रीट्वीट नहीं किया है तो जाके आप उस ट्वीट को रीट्वीट कर देना। जल्दी जल्दी 20K हमको उस रीट्वीट पे कंप्लीट करने हैं। रीट्वीट अगर आप 20K कर दे तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा चांस हो जाए BGMI लाइट आने के। कौन कौन चाहता तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना अपने भाई के चैनल को, बहुत ही जल्द हम 3K हिट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 3K जल्दी जल्दी आपके भाई के करा लेना। 3K पे आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आप बहुत से लोग मुझे पूछते हैं आखिरकार सब्सक्राइब किया है, तो सरप्राइज़ मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम और गुड बाय।